साधुओं का शरणा, प्रेमी प्रकृति दया धर्म का शरणा, चार शरणा मंगल करना और शरणा नहीं कोई। महिला मंडल स्थानीय महिला मंडल सेंट्रल संघ की एवं बहुमंडल साथ में आगे यहाँ पर पधारेंगे स्वागत गीत के लिए। उसके बाद तैयार रहे स्वागत भाषण के लिए संघ के अध्यक्ष श्रीमान साहब अशोक कुमार जी साहब रांगा। स्वागत गीत के बाद आप तैयार रहे। मैं निवेदन करता हूँ महिला मंडल एवं बहुमंडल कृपया यहाँ पर आए स्वागत गीत। सर्वप्रथम भगवान हमारे स्वामी के चरणों में कोटि शरण वंदन, पाठ पे विराजे सभी साधु भक्तों को मेरे विकृतों के पाठ से वंदन, चरण सभा में सभी पधारे सभी को सादर जय जी नंदन। Yeah.
स्वागत गीत के बाद मैं निवेदन करूंगा, अगर मना है हमाशाही करूंगा, क्योंकि जो भी वहां जाता है खाली हाथ नहीं आता है, कुछ ना कुछ लिखवा के आता है। ऐसे हमारे अध्यक्ष श्रीमान साहब अशोक कुमार जी साहब खान का सनम्र निवेदन है, आगे आए और अध्यक्ष भाषण जो स्वागत भाषण है आप प्रस्तुत करें। भगवान समण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदना। कर्नाटक गज के श्री गोत्र श्री परम पूज्य गुरु देव श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदना। यहाँ विराजित परम पूज्य झिनसा श्री परविका चैतन्य श्री जी महाराज साहब थानाचार के चरणों में कोटि कोटि वंदना। आज जिनकी 98वीं जन्म जयंती मना रहे हैं, जिनकी कृपा से आज हमारे को ये शुभ अवसर सेंट्रल संघ को प्राप्त हुआ है, ऐसे महाराष्ट्रीय प्रवीण श्रेणी जी समान धर्म गंजन करने वाली परम पूज्य प्रभाकर जी महाराज साहब के चरणों में हमारा शीश झुकाकर नमन। गुरु शक्ति इतनी सख्त कि वे पाषाण से भी पानी ला सकते हैं, ला देते हैं, अभागे के भाग्य भगवान को भगवान बना देते हैं। जरा आगे बन कर इतनी ताबत कर लो कि वे तस्वीर जो तकदीर बना देते हैं। ऐसे परम पूज्य गुरुनी जी की जन्म जयंती पर बारगांव से यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों से अन्य गणिमान व्यक्ति आती थी सेंट्रल संघ की इस पवन धारा को स्पर्श करने पधारे हुए हैं। आपके कदम पड़ते ही यहाँ का नजारा बदल गया, ये नयन भी नयन हो गए। जो अतिथि के देख वे धनी भी वे हाथ भी धनी हो गए जो स्वागत के लिए जुड़े हैं। उस भक्त की शीश झुकाते हैं भगवान श्री जो गुरु के सामने झुक जाते हैं। ऐसे मोतियों से भी अनमोल हीरे से भी न सके तोल हमारे अतिथि को हम अभिनंदन द्वार। आज हमें ये कहते हुए अति हर्ष होता है कि हमारे परम पूज्य पुण्य जी चैतन्य जी महाराज साहब के चतुर्मास हमें प्राप्त हुआ है। महाराज साहब की अपनी मेहनत वंदनीय से जो कि 21 दिन में धर्म यातना मेला आपने लगाया है, इसे देखकर हमें ये लगता है कि पोजिशन पर्व में महावीर धर्मशाला का पागन भी छोटा लगेगा। एक के बाद एक क्लासे लगभग 7 बजे बड़े महाराज साहब का सिद्ध मार्निंग क्लास जो कि 100 भाई बहन अटेंड कर रहे हैं, 700 बच्चों की वर्कशॉप प्रवचन की शुक्ला में जो अंतर आत्मा में जगह देती है, ऐसे रात्रि 9 बजे तक चारों महाराज साहब पूर्ण समय देते हैं। प्रतिमान कंस्ट्रक्शन करने की क्लास है, 150 बच्चे इंटर तक पैसी नई नई योजना आपके माइंड में है कि किसी न किसी माध्यम से व्यक्ति धर्म से जुड़ा रहे। ये सचमुच भाग्यशाली है कि हम आपका चतुर्मास हमें प्राप्त हुआ है। आप उन गुरु ने शिष्य जो अगर शिष्य ऐसी हो तो दुनिया कैसी होगी ये समझ सकते हैं। पूर्ण एक बार पधारे हुए सभी अतिथियों का सेंट्रल संघ अभिनंदन पुण्य जी का वंदन करते हैं। अतः यही कहेंगे कि आप हमारा नया संघ है, कई लोगों को जानकारी भी नहीं है, जो भी बंधु जुड़े हैं अभी अपना योगदान दे रहे हैं उनको सबको आभार। साथ ही सभी को निवेदन है कि अपने आस पड़ोस के बंधुओं को जोड़िए और अपनी अनुकूलता अनुसार आप सब परिवार धर्म यात्रा में जुड़िए। आगे अपना स्थानक भवन का भी हमारा सेंट्रल संघ की भावना है। सभी को पुनः निवेदन है कि तन मन धन से सभी सेंट्रल संघ से जुड़िए ताकि भविष्य में हम अपने धर्म स्थानक में धर्म यात्रा करने का उचित अवसर दें, ऐसा हमारा सार्थक कार्य हो। कमेटी के सारे सदस्य सास बहु मंडल युवा मंडल बालिका मंडल सभी को आपकी सेवा का अपार आभार व्यक्त करता हूँ। जय जितेंद्र जय समन सर। प्रतिदिन प्रवचन में आते हैं तो फिर में एक बार फिर आकर सुख साधन पूछते हैं माँ साहब सब यहाँ पर बराबर है ना। और अभी हाइब्रिड दिवस जब हमने मनाया तो आपने अपने लाइफ का पहला हाइब्रिड किया और वो भी परिवार के साथ में किया, तो ऐसे अशोक जी राधा को भी हम हार्दिक साधुवाद अनुमोदना करते हैं। और ब्याज जी को उन्होंने एक रूपरेखा रखी कि सीसन एक साल पहले गठित हुआ और संघ के गठित होते ही पहला चतुर्मास मिला। कृतज्ञता प्रकट करते साध्वी जी का कि हमारे पर विश्वास करके नए संघ के ऊपर यह चतुर्मास दिया, हम खड़े उतरेंगे। 20 दिन से यहाँ पर धार्मिक कार्य चल रहे हैं, हमें भी अचंभित है कि भी एक चतुर्मास में इतने कार्यक्रम हो सकते हैं। 20 दिन में हमने देख लिया क्योंकि सर जोड़े जाप प्रति घंटे 9 जोड़ी 11 घंटे 3 दिन के लिए चला, शुक्रवार शनिवार रविवार।
और सोमवार को सामूहिक आयुर्वेद चला, बहनों के लिए दया मंगलवार को और बुधवार को सामूहिक एकाशना, सभी कार्यक्रम संपन्न हुए और नवरंगी कर्तव्य का समापन समारोह है, इसलिए हम आज सब एकत्रित हुए हैं। मैं जो भी प्रेस फ्रेटर्निटी के जो भी यहाँ पर उपस्थित है उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। शोकी नागौरी हमारे पीछे राजस्थान पुणे का वाले हैं, उन सबका हम सेंट्रल सीजन हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। अगली कड़ी में मैं निवेदन करूँगा राकेश जी विनायकिया चेन्नई के निवासी, वह यहाँ पर बता रहे हैं। हाँ, देखिए पूज्य गुरु के पावन जन्म जयंती के इस अवसर पर सभी भक्तगणों की भावना है कि हम गुरुनी मैया के चरणों में अपनी भावनाओं को प्रेषित करें, पर हमारे पास समय की कमी है, समय की पाबंदी है, इसलिए कृपया करके आप ही समझ जाइए और अपने नाम की अगर आप चिट्ठी देते हो तो हमें अच्छा नहीं लगता है कि आपका नाम हम खराब में ना करें। तो आप सबकी भावना हमने शुरुआत में एक भजन में अपनी गुरुनी मैया तक पहुँचा दी है, तो जितना हो सके आपको हमसे सुनना है ताकि हमारी गुरुनी मैया के जीवन की गौरवशाली गाथाएं आपको पता चले। प्रभु महावीर के चरणों में कोटेश्वर वंदन। जन जन की आस्था के केंद्र कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी परम पूज्य श्री गणेश लाल जी महाराज साहब के चरणों में कोटेश्वर वंदन। अत्र विराजित जिन शासन प्रभावी का पूज्य श्री चैतन्य श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा के चरणों में विधि सहित वंदन नमन। सबको जय जिनेन्द्र। गुरु चरणों से कभी होना नहीं दूर, हो जाओ चाहे कितने भी मजबूर। सुन मेरे मन ओ सुन मेरे मन। गुरु निसा जग में गवाया, गुरु जैसा अपना न जग में कोई। माता पिता सखा बंधु सोई। सुन मेरे मन ओ सुन मेरे मन। गुरुनी है सहारा तेरा, काटेंगे गुरु ही जग फेरा। ओ मनवा सुन मेरे पागल मन, ओ मनवा सुन मेरे मन मोहन। ओ मनवा सुन मेरे पागल मन, मन वासन मेरे मन मोहन। चलते चलते जीवन पथ पर करता कितनी भूल। कांटे चुन लेता है मन वा मान बहारी फूल। मरीच का पीछे दौड़ा जाता, सही है गलत समझ न पाता। गुरुवर ही है सहारा तेरा, काटेंगे गुरु ही जग फेरा। ओ मन वासन मेरे पागल मन, ओ मन वासन मेरे मन मो। ओ मन वासन मेरे पागल मन, ओ मन वासन मेरे मन मोहन। गुरु चरणों से कभी होना नहीं दूर, हो जाओ चाहे कितने भी मजबूर। सुन मेरे मन ओ सुन मेरे मन। गुरु जैसा जग में न अपना कोई, माता पिता सखा बंधु सोई। सुन मेरे मन ओ सुन मेरे मन। गुरुवर ही है सहारा तेरा, काटेंगे गुरु ही जग फेरा। ओ मन वासन मेरे पागल मन, ओ मन वासन मेरे मन मोहन। ओ मन वासन मेरे पागल मन, ओ मन वासन मेरे मन मोहन। बहुत अच्छी प्रस्तुति राकेश जी विनायकिया ने की है। परम पूज्य गुरुदेव कर्नाटक गज के श्री और तपस्वी गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज के आप अनन्य भक्त है और अच्छी प्रस्तुति आपने गुरुनी मैया के चरणों में प्रस्तुत की है। इसके आगे जो भी
संघ से आमंत्रित अतिथि है, कृपया कहीं भी अगर बैठे हैं तो उनसे नम्र निवेदन है आगे पधारे, अपना स्थान ग्रहण करें। कोई सामायिक में है थोड़े, मुझे न जानता भी हूँ, सामायिक में दिख भी रहे हैं, सामायिक में समय चितार के आप फिर वहाँ पर पधारे। समय जब चितारेंगे, समय एक तो समय नहीं हुई है, जब चितारेंगे उनका सम्मान भी करना है, इसलिए अगर कोई पीछे भी अगर बैठा है अतिथि उनसे नम्र निवेदन कृपया आगे पधारे। Thank you.
अध्यक्ष शिला पूज्य श्री साध्वी सुबोध जी महाराज साहब प्रवचन द्वारा हम सबको संबोधित करें। पीछे का साधु जीवन में आपको 72 इयर्स नहीं लेकिन लगता है 72 मिनट तो जरूर आपको मोमबत्ती बांधकर बैठना है, तो क्या अपनी गुरुनी मैया के लिए सिर्फ एक मोमबत्ती जितना समर्पण भाव अगर आप रखोगे तो बहुत बहुत अनुमोदना होगी आपकी। गणेश गुरु का Yeah.
देना है। आप सभी को कैंसर देना है टू इम्प्रूव योर बॉडी, टू इम्प्रूव योर बॉडी। व्हाट टू डू? एक्सरसाइज। बराबर आंसर, एक्सरसाइज। सेकंड क्वेश्चन, टू थिंक मोर क्लियरली। क्या करोगे? मेडिटेशन। आपसे आंसर आना चाहिए, अगर आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो आप एक्सरसाइज करोगे, और आपके थिंक विचारों को क्लियर रखना है, उनको शुद्ध रखना है, तो उसके लिए क्या करोगे? क्या करोगे इसके लिए? मेडिटेशन। टू अंडरस्टैंड द वर्ड, आपको समझना है शब्दों को, तो उसके लिए व्हाट टू डू? रीड। आप उसको पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या लिखा हुआ है। तो रिमेंबर योर मेमोरी, अगर आपको अपनी मेमोरी सेव करके रखना है तो उसके लिए क्या करोगे? क्या करते हो उसके लिए? आप क्या करते हो? क्लिक द फोटो, है ना? बराबर है। आज तक मोबाइल आपके पास सभी के पास है, और अपनी मेमोरी को सेव करना है तो बहुत सारे लोग लिखते भी है। राइटिंग जिनकी मेमोरी सेव करके रखना है तो उसके लिए आप लिखते भी हो, और उसके साथ साथ फोटो भी निकालते हो। उसी के साथ टू चेंज थॉट्स, टू चेंज थॉट्स, लाइफस्टाइल को चेंज करना है। मोटिवेट एंड टू गिव द करेक्ट डायरेक्शन, टू गिव द करेक्ट डायरेक्शन। Who is that? अपने जीवन को बदलना है, अपने डायरेक्शन को चेंज करना है, अपने आप को मोटिवेट करना है, तो उसके लिए एक ही व्यक्ति है, और वो है गुरुमा, वो है गुरुदेव। और गुरुमा जिनके जीवन को आपको श्रवण करना है, गुरुमा का जीवन some active greatness and some have greatness through open day। कुछ गुरुमा का जीवन कैसा है कि जिनको शब्दों में बांधना बहुत कठिन है, और ऐसे गुरुमा की जन्म जयंती हम मना रहे हैं, और उनके गुणों को हमें श्रवण करने के साथ आचरण भी करना है, पूज्य गुरुमा का जीवन एक सागर जैसा था, और वहां पर जो भी आते थे मोती लेकर जाते, इनके सानिध्य में जो भी आएंगे मोती लेकर जाते थे। जिनका जीवन पर्वत सा था, और उनके सानिध्य में आने वाला ऊंचाइयों को छू लेता था। जिनका जीवन एक बगीचा था, जिनके सानिध्य में आने वाला सुरभित हुए बगैर नहीं रहता। जिनका जीवन एक कल्प वृक्ष का स्थान था, और उनके छाया में आने वाला, उनके पास में आने वाला ठंडी छाव जरूर पाता था। ऐसे गुरुमा जिनके जीवन में पहला गुण था परफेक्ट डायरेक्शन पावर, मतलब कुशल मार्गदर्शन शक्ति जिनके पास थी। आपको पता होगा कि इस शरीर को जन्म देने वाली माँ होती है, उपकारी माँ होती है, और इस आत्मा को जन्म देने वाली, इस आत्मा को संयम की ओर ले जाने वाली, इस आत्मा को घराने वाली वह है गुरुमा। वह कौन है? आपकी आवाज आनी चाहिए। उठा आए क्या? आए तो जी, खाना खा लिया, नाश्ता कर लिया, पेट भरा हुआ है ना, तो आपको समझना है, आपको बोलोगे तब मुझे पता चलेगा कि आपने अच्छा नाश्ता किया हुआ है। इस
वाली है, जन्मदाता माँ, और इस आत्मा को संस्कारित करने वाले है गुरु माँ। इस आत्मा को संस्कारित करने वाली है गुरु माँ, और इस गुरु माँ ने हमें भाटे से पाटे पर लाने का पुरुषार्थ, कुशल डायरेक्शन, प्रसिद्ध ऐसा मार्गदर्शन हमें दिया है। मेरी जब दीक्षा हुई, दीक्षा लेते ही मेरी लॉटरी लग गई। क्या लगी भाइयों? करोड़ों की, अरबों की, अरबों की नहीं, मेरी लॉटरी लगी कि मुझे भाटे से पाटे पर लाया गया। और उसमें भी ऐसी लॉटरी लगी कि लगातार 13 महीने मुझे गुरु माँ का सानिध्य मिला, लगातार 13 महीने गुरु माँ का सानिध्य मिला, और इस जीवन को, इस संयमी जीवन का शैशवकाल था, बचपन था, इस संयमी जीवन का, जैसे माँ अपने बच्चों को संस्कारित करती है, बचपन में ही कैसे खाना, कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बैठना, ये सारा प्रशिक्षण एक बच्चे को माँ देती है, और संयमी जीवन का प्रशिक्षण मुझे गुरु माँ ने दिया। संयमी जीवन का ऐसा प्रशिक्षण गुरु माँ ने दिया कि मेरे जीवन में एक नया चैतन्य जगाया, मेरे जीवन में एक जागृति लाई, क्योंकि दीक्षा लेते ही कुछ भी नहीं समझ में आता, क्या करना, कैसे गुजर लाना, कैसे किसी के साथ बात करना, कैसे अध्ययन करना, सारा यह शैशवकाल है संयमी जीवन का। और उस समय गुरु माँ ने एक अनुभव से मुझे मोटिवेट किया। सबसे एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक व्यक्ति जब गुरु माँ का जन्मदिन था, उस समय एक भक्त गुरु माँ के पास आए और उन्होंने बहुत ही सुंदर ऐसा पेड़ लाया था गुरु माँ को भेंट देने के लिए। उसकी कितनी भावना थी, और गुरु माँ के पास आए और उन्होंने जन्मदिन की शुभ मंगल कामना दी, और साथ में वो गिफ्ट उनके पास रखा और कहा कि मेरी ओर से आपको यह तोहफा। उस समय गुरु माँ ने मना कर दिया, मुझे ये तोहफा आपका नहीं चाहिए, आपका तोहफा मैंने स्वीकार किया। मैं देख रही थी, मैं पास में ही बैठी हुई थी, और मैं देख रही थी कि गुरु माँ कह रहे हैं मैंने आपका तोहफा स्वीकार किया, लेकिन उस पेन को वापस लौटा दिया, उस पेन को वापस लौटा दिया। वो श्रावक जी बार बार विनती कर रहे, बार बार बोल रहे हैं एक ही तो पेन है, आपको यूज हो जाएगा, आप बहुत सारा लिखते हो, लेकिन गुरु माँ ने मना कर दिया, और वो श्रावक जी शुभकामना देकर वहां से चले गए। मैं वहां थी, मैंने गुरु माँ से पूछा, गुरु माँ आपने उनका पेन क्यों नहीं लिया, उनकी कितनी भावना थी। तब गुरु माँ ने बहुत ही सुंदर ऐसा जवाब मुझे दिया कि मैं अपने जीवन में किसी व्यक्ति को राजी करने के लिए मैंने संयम नहीं लिया, किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए मैंने संयम नहीं लिया है, लेकिन मैंने प्रभु परमात्मा को राजी करने के लिए दीक्षा ली। व्यक्ति को राजी कर देंगे लेकिन प्रभु परमात्मा को बेराजी करेंगे तो कैसे चलेगा। और उनकी बधाई, उनका तोहफा जो है वह मैंने उनकी शुभ मंगल कामना लेकर प्राप्त कर दिया है, उनकी शुभ मंगल कामना ले ली, वही तोहफा है, और वही तोहफा मेरे लिए बेस्ट है। समझ में आई बात? गुरु माँ के जीवन से हमने ऐसा मार्गदर्शन लिया, ऐसा मार्गदर्शन लिया कि एक एक उनके पास बैठकर एक एक ऐसे अनुभव मिले, उनके जीवन से एक एक अनुभव मिले कि वो शब्दों में मानना, आपके सामने रखना शब्द की सीमा है, और इसलिए थोड़े ही अनुभव आपके सामने रख रहे हैं। पहला गुरु माँ के जीवन का गुण था परफेक्ट डायरेक्शन पावर, और दूसरा था परफेक्ट डायनामिक पावर, गतिशीलता, जो स्वयं ही गतिमान थे और हमें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे। दीक्षा का प्रथम वर्ष और प्रथम बार ही लॉन्च करना था, मन के अंदर डर था, साथ में गुरु माँ के रहे दीक्षा के पहले, लेकिन कभी लॉन्च का अनुभव नहीं लिया था, पहली बार लॉन्च करना था, मन के अंदर बहुत डर था, मन के अंदर बहुत भय था, कैसे होगा, कैसे बाल को निकालेंगे। लेकिन गुरु माँ के पास जैसे ही बैठे तो गुरु माँ ने कहा कि मुझे पता है आपको आपका पहला लॉन्च है और आप डर रहे हो, लेकिन सर पर
ऐसी ममता में वास्तव में ऐसा हाथ रखा और एक ही बात कही कि इस शरीर को कष्ट होगा, आत्मा को कुछ भी नहीं मिलेगा, आत्मा को कुछ भी कष्ट नहीं होगा, शरीर को ही कष्ट होगा। और शरीर को कष्ट दोगे, शरीर को दबाओगे तो अपनी आत्मा आपकी तप जाएगी, निखर जाएगी। और ऐसे आगे बढ़ाने वाले, ऐसे डायनामिक गुरुमा स्वयं भी गतिमान थे और हमें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे। गुरुमा के जीवन में बहुत सारा साम्राज्य गुरुमा के पास था। चक्रवर्ती के पास कितना साम्राज्य है? कितना साम्राज्य है? 6 खंड का साम्राज्य है। वासुदेव के पास 3 खंड का, और इंद्र के पास उनके देवलोक का ही साम्राज्य होता है। और मेरे गुरुमा के पास इस भव का और परभव का दोनों भी साम्राज्य था। कैसे? इस भव का साम्राज्य मतलब उनके संत और सती, उनके जीवन में किया हुआ त्याग, तप, वैराग्य, जो भी कुछ इस जीवन में उन्होंने कमाया, और अगले भव में वो सारा पुण्य पूंजी अगले भव का साम्राज्य लेकर गए। चक्रवर्ती 6 खंड इन भव से परभव ले जा सकते हैं? ले जा सकते हैं? नहीं। वासुदेव भी नहीं, चक्रवर्ती भी नहीं, इंद्र भी नहीं। लेकिन मेरे गुरु मां ने यहाँ पर जो भी साम्राज्य प्राप्त किया वो इस भव के साथ परभव में भी साथ में लेकर गए। ऐसे गुरु मां के जीवन में ऐसे कुछ गुरु मां को हम जन्म जयंती के निमित्त से उनके चरणों में भाव भरा वंदन करते हुए बोलिए, भगवान महावीर स्वामी की शब्दों में मानना असंभव है। समय समय पर आपके सामने गुरुनी मैया के जीवन की गौरवशाली गाथाएं प्रस्तुत होगी। आज के समारोह में हमने कुछ अतिथि का आमंत्रण किया था, काफी अतिथि पहुंच चुके हैं, और भी कोई पीछे अगर बैठे हैं तो उनसे निवेदन है, कृपया मंच आसन करें। मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष जी अशोक जी रांगा से कि भी सर्वप्रथम हमारे श्री पुरा जी साहब मेहता है कर्नाटक जैन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष, उनका सम्मान माला और दुशाला से उनका सम्मान करें। आगे बढ़ाओ सर। हर्ष 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 जैन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष श्रीमान सबुद्राजी मेहता जो सम्मान नहीं देते हैं, धर्म सभा के नियमों का उन्होंने पालन किया है, वहीं पर आते हैं, सेवा का लाभ लेते हैं, बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। शिवशाह मैं आग्रह करूंगा बोर्ड वार्ड भवन के चेयरमैन श्रीमान साहब कुमार पाल जी साहब सिसोदिया से जो कि आगे आए, और निरंतर जो भी हमारा जो भी संघ आते हैं बाहर गाँव से, वहां पर निशुल्क अपने कमरे देने के लिए कहा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं निवेदन करूंगा हमारे संघ के साथ उत्तम चंद जी साहब बोरा आगे पधारे, उनका सम्मान। जय जय। जिनका नाम कुमार पाल है, 18 देश के राजा थे कुमार पाल, और आप भी उस नाम को सार्थक कर रहे हैं। गोडवार भवन के आप अध्यक्ष हैं और बहुत कुछ एक्टिविटी भी वहाँ पर चलती है जो आपको गाती है, ऐसे सुशालों की हम हार्दिक अनुमोदना करते हैं। श्रीमान साहब देवी चंद जी साहब सालेजा हमारे पीछे, उनसे मैं निवेदन करूंगा, ज्येष्ठ पुष्कर सेवा समिति का अध्यक्ष है और अकीम पेट से सिंह के अध्यक्ष है, क्योंकि आगे पधार रहे। श्रीमान साहब सुरेश जी साहब समझड़िया हमारे पीछे, उनसे भी समर्थ निवेदन आगे पधार कर उनका सम्मान करें। महावीर जी साहब बिलवाड़िया रुपये आ गया है, संघ के हमारे सहमंत्री महावीर जी बिलवाड़िया या निर्मल जी चोरड़िया जो भी है रुपये आ गया है, और या नहीं तो प्रदीप जी साहब धोखा से निवेदन है, संघ युवा संघ के अध्यक्ष रुपये आ गया है, ठीक है, इनका सम्मान करें। आप अरुण जी नाहर का सम्मान करें, आप भी सम्मान नहीं ले रहे, ठीक है। संघ का सम्मान तो ले सकते हैं, प्राइवेट में कोई संघ सम्मान नहीं।
ठीक है, धन्यवाद। श्रीमान साहब विनय जी साहब पावेचा निवर्तमान अध्यक्ष अभी सामायिक में, सामायिक के बाद ठीक है इसके आगे करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा मधुर गायिका मधुर वैज्ञानिक भी हमारे जिज्ञासा जी महाराज साहब जो कि सबको साथ में लेके चलने की कला है और काफी कुछ कार्य जो चल रहा है सभी चारों सिद्धिया जी के साथ हमें आगे लेकर चल रहे हैं, आप उनको संबोधित करें। अर्जुन
किया आपने मेरी? क्या हेल्प की? कुछ भी तो नहीं किया। पानी में मैंने देखा मछली को, पानी में मैंने देखा मछली को, पानी में देखकर उस मछली की आंख को मैंने देखा, प्रत्यक्ष मैंने खींची, उस बाल को मैंने ही लगाया, आपने किया क्या? और श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, देख मछली को तूने पानी में देखा, उसकी आंख को भी तूने पानी में देखा, और उस प्रत्यक्ष को भी तूने ही हाथ में उठाया, उस धनुष में, उस धनुष बाण को भी तूने ही हाथ में उठाया, उस प्रत्यक्ष को भी तूने ही खींचा और बाण भी तूने ही लगाया, लेकिन जो वो पानी था उसको स्थिर रखने का काम मैंने किया। जो पानी था ना उसको स्थिर रखने का काम मैंने किया। ये आपके सामने जो बोल रही है साध्वी जिज्ञासा, जब उम्र के 14वें वर्ष में महाराष्ट्र प्रवर्तनी ज्ञान गंगोत्री आराध्य गुरुमैया, जिसके रोम रोम में अनंत उपकार है, जिसके द्वारा ये संयम का चोला मुझे मिला, जिसके द्वारा ये रजोहरण मुझे मिला, और ऐसे गुरुवर्या का जब मैंने छोटे से उम्र में सानिध्य पाया, ध्यान से सुनना, मेरे सांसारिक सारे पारिवारिक जन मुझे दीक्षा देने के अगेंस्ट थे, क्योंकि मेरे बड़े पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, और बड़े पिताजी जैसे ही पूज्य गुरुनी मैया के चरणों में आए, उन्होंने कहा, आप इसे दीक्षा दे रहे हो वो भी 16वें वर्ष में, आप इसे कैसे संभालोगे, इसको बड़ा गुस्सा आता है। क्या कहा? दुनिया को क्या दिखता है? क्या दिखा दुनिया को? दुनिया की रीत है यहाँ जो बाहर होता है बस वही दिखता है, लेकिन गुरु शरण पाने की रीत है जो अंदर होता है वही दिखता है। और गुरु मैया ने कहा, देखो इसकी दीक्षा की भावना है और सब कुछ किसे ही करना होगा, जैसे श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि सब कुछ तुझे ही करना होगा, बस गुरु मैया ने भी सांसारिक पारिवारिक जनों से कहा सब कुछ इन्हें ही करना होगा, लोच भी यही करेंगे, विहार भी यही करेंगे, गोचरी भी यही लाएंगे, संयम साधना में भी यही रहेंगे, लेकिन इसके मन को स्थिर रखने का काम हम करेंगे। क्या कहा? इसके जैसे उस पानी को स्थिर रखने का काम श्री कृष्ण ने किया, इस मन को स्थिर रखने का काम मेरी गुरु माता ने किया। जिसको आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, हमारे पीछे ही जिनका बैनर लगा हुआ है देख लीजिए, जो आशीर्वाद बरसा रहे हैं आप सब पर, हम पर। व्हाट इज डिफरेंट, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन यू एंड हर? आप में और हमारे गुरुमैया में एक छोटा सा अंतर है, और इसीलिए आप उनका जीवन सुनने के लिए आए हो, और यू थिंक दैट द लाइफ इज लाइक आइसक्रीम, एंजॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स, बट शी थिंक्स दैट The light is like a candle. Give light others before it melts. उन्होंने यही सोचा, हमने भी यही सोचा, लेकिन सोच में अंतर था। कैंडल भी मेल्ट होती है, आइसक्रीम भी मेल्ट होती है, लेकिन आपने लाइफ को आइसक्रीम समझकर उसका एंजॉय किया, उन्होंने लाइफ को कैंडल समझकर उनके जीवन का एक बड़ा प्रकाश हम सबको दिया। उनका जीवन
चरणों में जन्मदिन हजारों मनाएं, ऐसी ही भावना रखी थी। जन्म जयंती विदाउट उनके, बिना उनके मनाने की भावना कभी मन में नहीं थी। लेकिन फिर भी इनविजिबल, जो विजिबल नहीं है उसे सामने देखना शिष्य की ताकत होती है। और वो शिष्य की ताकत को आज आप सुनोगे पूज्य श्री से कि क्या वो ताकत थी जो हमें मिली। उनका जीवन सबसे पहला सूत्र आज घर पर लेकर जाना, क्योंकि वो नीडलेस नीडलेस। हमारी नीड्स कभी पूरी नहीं होगी और एक साधु की नीड कभी अधूरी नहीं रहेगी। नीडलेस जिसे कुछ भी नहीं चाहिए था समाज से, बस जिसने समाज को बस दिया ही दिया, और सिर्फ समाज को नहीं दिया, शिष्य परिवार को इतना दिया कि घर घर पर आशीर्वाद दिया, घर घर पर स्नेह लुटाया। जब भी उनके साथ में हम जुड़े तब एक बच्चा बनकर उन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया, एक गुरु बनकर एक व्यवहार किया, एक माता बनकर जिन्होंने अपने जीवन को सामने लाया। और इसीलिए मन गदगद हो जाता है ऐसे गुरुवर्या के चरणों में जिनका जीवन नीडलेस था, कोई नीड्स ही बाकी नहीं थे। दूसरा, जिनका जीवन फियरलेस था। अगर आपके सामने, आपके साथ में कोई गली का गुंडा हो, तो और किसी से डरने की आपको जरूरत है क्या? नहीं है। प्रभु हमारे साथ है, ये हमें हमेशा विश्वास दिलाने वाले पूज्य गुरुवर्या। जब मैं नई नई मार सबके पास आई ना, मुझे कहीं पर भी सोने की बिल्कुल आदत नहीं थी। ये लोग तो पूरा दरवाजा खुला करके कहीं पर भी सो जाते थे, और कैसे भी सोना बिल्कुल आदत नहीं थी। एक दिन किसी गेस्ट हाउस में रुके, वहां पर नाग नागिन का जोड़ा हर पूर्णिमा के दिन बाहर निकलता था ऐसा सुना, और वहां पर गेस्ट हाउस के एग्जैक्ट सामने ही उसका बहुत बड़ा बिल था। अब पूर्णिमा का ही दिन है और गुरुवर्या को पता भी चल गया कि नाग नागिन का जोड़ा बाहर निकलता है। उस गेस्ट हाउस को दरवाजा भी नहीं था, सुनो ध्यान से, उस गेस्ट हाउस को दरवाजा भी नहीं था। मैं नई नई थी, दीक्षा नहीं हुई थी, और मैंने कहा मैं तो आज सो नहीं पाऊंगी। महाराज साहब ने कहा मेरे पास में आके सो जाओ। बीच में मुझे सुलाया, रात भर हाथ में माला बिना सफाई के आप बैठे रहे, सारे साध्वी जी आराम से सो गए। गुरुवर्या रात भर हाथ में माला लेकर बैठे रहे। सुबह जब विहार हुआ, मैंने पूछा महाराज साहब रात में कोई आया था क्या? दोनों आए थे। क्या कहा? दोनों आए थे, दर्शन करके चले गए, लेकिन कभी भी इस बात का प्रचार नहीं करते थे। कभी भी इस बात का कोई फ्लायर नहीं छपता था, कोई बैनर नहीं छपता था, कोई मैसेज फॉरवर्ड नहीं होता था। और ये था उनका जीवन फियरलेस। भले ही वो एक स्त्री रूप में थे, लेकिन एक आचार्य की क्षमता कराने वाली ऐसी महान साध्वी, पता नहीं अब कब ऐसी साध्वी को हम देख पाएंगे। बता तेरी पावन शरण फिर कब मिले, बता तेरी पावन शरण फिर कब मिले। Needless, second, fearless, third is noiseless।
आपके बच्चे, ध्यान से सुनना बहनों, आपके बच्चे आज भिंडी की सब्जी खाई, कल फिर से खाते हैं? कितने दिन बाद रिपीट कर सकते हो आप? आप खुद, चलो बच्चों से आप पर आते हैं, आप एक सब्जी को, एक रोटी को, एक ही वैरायटी को कितने दिन तक रिपीट कर सकते हो? लगातार, लगातार। मेरे गुरु माने सिर्फ मूंग की दाल और फल का 9 महीने दोनों टाइम खाया, मूंग की दाल और फल का 9 महीने दोनों टाइम खाया, खाया घर पर जाकर कैलकुलेशन लगाना कितनी बार, कितने टाइम हुए 9 महीने के, एक दिन का 2 टाइम, 9 महीने के कितने टाइम, सिर्फ मूंग की दाल और फल का, वो भी चूर के, क्योंकि तबीयत की अस्वस्थता थी, निमोनिया से वो गुजर रहे थे और 9 महीने तक लगातार चूर कर, वो भी एकदम चूर कर, ऐसे नहीं कि रोटी का पार्ट भी दिखना चाहिए, जैसे आप बच्चों को पेस्ट करके देते हो वैसी पेस्ट उन्होंने 9 महीने तक लगातार खाई। आप इमेजिन कर सकते हो? नॉइसलेस, कोई आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं, कभी भी उनके पास में जाओ पात्री और जो खिलाने का साधन था उसे लेकर, नो नॉइस। आज जाते जाते कितना तो संकल्प लेकर जाना कि अगर रिपीटली कोई सब्जी मेरी थाली में आएगी तो मैं शांति से उसे खा लूंगा, नहीं बोलूंगा कि मुझे ये सब्जी चाहिए। ले सकते हो भाइयों इतना बचपन, आज का जीवन सुन रहे हो, सिर्फ सुनकर यहाँ पर आकर बैठ कर कोई फायदा नहीं, कुछ लेकर जाना है। अगर आप प्रॉफिट वाले हो, आप बनिया हो तो लेकर जाओगे, तो इतने बचपन ले सकते हो कि जब भी थाली में कोई सब्जी रिपीट आएगी मैं नहीं बोलूंगा कि मुझे ये सब्जी नहीं खाना है। अगर जिसे बचकर लेना है हाथ ऊपर कीजिए कि आज से हम नहीं बोलेंगे कि ये सब्जी रिपीट करना नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। नहीं हो रही ना हिम्मत, इसीलिए वो महान थे। हाथ की बार सब बचकर दीजिए। धारणा प्रमाण बचकर दस मंदिर पड़ी हमारी चिंता में गई ओ सिरे ओ सिरे। नियम लेने वालों को नो नॉइस। और फोर्थ पॉइंट था नेमलेस। कहीं पर भी अगर उन्हें पता चला कि उनका नाम आ गया है, वो उस जगह से उठकर चले जाते, जिसने नाम लिखाया उसे जाकर दो शब्द सुनाकर आते और डरते तो किसी से भी नहीं थे। नेमलेस। और यही जीवन हमें बनाना है, ये गुरुमा का जीवन हमें सुनना है, समझना है। जब मेरे बड़े पिताजी ने ये कहा कि इसको बहुत क्रोध आता है, और गुरुमा ने जब कहा कि ये सब कुछ करेंगे, इसके मन को स्थिर रखने की जिम्मेदारी मेरी, तब इस दिल ने ठान लिया, गुरुमा आपकी गर्दन कभी नीचे नहीं होने दूंगी, आपका नाम सदैव रोशन करूंगी। और ये शक्ति, ये ताकत किससे मिली? उस दीक्षा प्रदाता से, उस गुरुवर्या से। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं कि जब आपको कभी फुर्सत मिले ना आपके सारे शेड्यूल से, तो जरूर आकर 2 मिनट बैठना। तो एक के बाद एक बताऊंगी, लेकिन एक लास्ट इंसिडेंट बोल के प्रवचन खत्म करूंगी। एक बार गुरुमैया का स्वास्थ्य अस्वस्थ था और हमारा रोज झगड़ा चलता था कि गुरुमैया का हाथ कौन पकड़ेगा। मैं सुबोधि जी मां साहब, लिंबक जी मां साहब नहीं थे तब, और बहुत सारी शिष्याएं लगभग 50-50 थाने उनकी सेवा में रहते थे, और रोज उनके लिए हम ये करते थे कि आज मैं हाथ पकड़ूंगी, वो कहते थे हम पकड़ेंगे, और वो उन पर डिपेंड था कि वो किसके हाथ में अपना हाथ देंगे, और कभी भी किसी एक के हाथ में हाथ नहीं देते थे, सबको खुश रखते थे। और हम कभी कभी इतने आशा से जाते थे तो हमारे आंखों में कभी कभी आंसू भी आ जाते थे। ये भी हमारे साथ हुआ है कि 8-8 दिन तक भी वो हमारे हाथ में हाथ नहीं रखते थे और हम रोने लग जाते थे, तो रात में वो हमें इतने प्यार से सिर पर हाथ रखकर संभाल देते थे। एक दिन उनकी तबीयत अस्वस्थ थी, लगभग उस दिन कोई तपस्या सबको थी और सभी तपस्या में बैठ गए, एकासना आदि था, सब बैठ गए, और गुरुवर्या को लाने के लिए मैं गई, उनका हाथ पकड़ा। उस दिन उनका सोडियम पोटेशियम पूरा डाउन हो चुका था, ये उस समय पता नहीं था। जैसे ही मैंने उनका हाथ, हमेशा पकड़ती हूँ वैसे पकड़ा, उनको एक हाथ से लेकर वहां तक लेकर गई जहां गोचरी थी, अचानक हाथ अपने आप उन्होंने छोड़ दिया और पूरा नीचे गिर गए, पूरा फ्लैट हो गए, सिर को भी लगी होगी पता नहीं, मैं तो इतनी घबरा गई, पूरी फ्रीज हो गई, ना मुझे रोना आ रहा है, ना कुछ बोलना आ रहा है, बस पसीना छूट रहा है कि अब क्या होगा। बाकी सारे लोग, बाकी सारे मार साहब ने मुझे शायद डांटा।
जब वहां से फिर से पाटे तक जाना था, मुझे आवाज देकर बुलाया और कहा मेरा हाथ पकड़। जब वहां से पाटे तक जाना था मुझे आवाज देकर बुलाया और कहा मेरा हाथ पकड़। हम कर सकते हैं ऐसा। इतना विश्वास किसी शिष्य पर, इतना विश्वास अपने शिष्य पर। वो गुरुमाता इसीलिए पूजनीय बने, वो गुरुमाता इसीलिए कैंडल बने और ये हमारे जीवन की ताकत बने। आज हम सब जो है ना, बस उनकी बदौलत, उनकी कृपा से, उनकी वजह से। और ये जीवन की ताकत को अगर आपको लेकर जाना है तो नीटनेस बनिए। जितना है उतना बस है, जितना है उतना बस है। नेमलेस बनिए सभा में। अगर आपका नाम गलती से रह गया, नेमलेस, मैं कोई नाम करने के लिए थोड़ी धर्म सभा में आया था। नेमलेस बनिए, नीटनेस बनिए, नॉइसलेस बनिए। घर में, परिवार में कभी किसी से गलती हो जाती है, छोड़ दीजिए। आप महान करना चाहते हो तो निग्लेक्ट कीजिए और हमेशा के लिए फियरलेस बनिए। मत डरिए, प्रभु हमारे साथ है। मैं हमेशा मार्सा को पूछा करती थी, मार्सा लोगों के दिलों तक पहुंचने के लिए क्या किया जाना चाहिए। वो कहते थे कि किसी भी निर्जीव चीजों पर अपना नाम मत लिखो। किसी भी, जैसे हम पेन पे, डायरी पे, बहुत आदत थी नाम लिखने की। वो कहते थे किसी भी निर्जीव चीजों पर अपना नाम मत लिखो। लिखना ही है तो लोगों के दिलों पर अपना नाम लिखो कि जो अमर रहेगा, हमारे जाने के बाद भी वो याद करेंगे। और यही शिक्षा पूज्य चैतन्य श्री मार साहब हमें देते हैं, क्योंकि वो भी वैसे ही हैं और एक ही भूमि के, वो भी लोनार के, पूज्य श्री भी लोनार के, और बहुत सारी सिमिलैरिटी है। तो इतना ही कहकर आज गुरुमा के चरणों में मैं अपने भक्ति पुष्प अर्पण करती हूँ कि गुरुमा आपने संयम दिया, आपने रजोहरण दिया, इस मन को ताकत भी दी कि मैं आगे बढ़ सकूं। लेकिन और एक चीज देना, सत्व। हमेशा आपके जैसे संयम चर्या मुझ में भी आए, ऐसी शक्ति मुझे देना। इतना कहकर मैं गुरुमा के चरणों में भक्ति पुष्प अर्पण करती हूँ और गुरुमा से एक ही वादा करती हूँ कि हे गुरुवर्या, आपने जिस विश्वास से मुझे इस पाठ पे बिठाया है, जिस वात्सल्य से मुझे संवारा है, सहेजा है, उस वात्सल्य को मैं हमेशा बरकरार रखूंगी, उस कृपा को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। हे गुरुमा, आपकी आत्मा जहाँ पर भी है हमारे इस शब्द को, भावों को सुने। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बोलिए महाराष्ट्र प्रवर्तनी पूज्य गुरुवर्या सभापर जी महाराज साहब। इन्होंने रजोहरण देके और भाव के लिए संयमी जीवन के जो उपकारी बने हैं, ऐसी बुद्धिमैया के जीवन की महान गौरवशाली गाथा को आपने मधुर भजन और प्रवचन के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ऐसे गुरमी मैया के जीवन के कई गुण है, उन गुणों को हम अपने शब्दों के वनियों में पिरो नहीं सकते हैं। अग्नि करेंगे किया है ऐसी गुरमी मैया काम मिलेगी, क्योंकि तो अभी आपने कहा कि 9 महीने तो करीबन हमने हिसाब डाला तो भी 540 टाइम खाना, एक ही खाना खाना असंभव है, क्योंकि सवेरे पिंडी मिल जाए तो शाम को मिल जाए तो हम चिढ़ जाते हैं। दूसरी बार अगर वही मेनू आ जाए तो कोई खा नहीं सकता। तो ऐसे गुरुजी साहब के हम आज यहाँ पर जन्म जयंती महोत्सव मना रहे हैं, तो इच्छा स्वागत है, फिर प्रवचन करेंगे। मैं निवेदन करूँगा श्रीमान साहब अनिल जी साहब कोटारी हमारे जो संघ के उपाध्यक्ष है, उनसे निवेदन करूंगा। श्रीमान साहब गर्मीच जी साहब कोटारी अध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह संघ के हमारे पीछे, उनका सम्मान करें। जहाँ पर 2023 का ऐतिहासिक चतुर्मास हुआ उनको हम सम्मान करेंगे। इसी संघ के जो अध्यक्ष है धर्मी सिंह साहब कोटारी, कृपया आगे बढ़ा रहे। हाँ देखिए, 2023 का एक ऐतिहासिक चतुर्मास पुरुषोत्तम संघ के तत्वावधान में एम के एम के प्रांगण में हमारा संपन्न हुआ। और इतना ऐतिहासिक चतुर्मास की जो दान शील तप भाव ज्ञान दर्शन चारित्र आदि हर एक गुणों से समृद्ध बना, ऐसे हमारे उस चतुर्मास में पुरुषोत्तम संघ के अध्यक्ष जी थे विनय जी पावेजा, वे भी यहाँ पर आए हैं। अभी अध्यक्ष जो धर्मीचंद जी कोठारी, वे भी आए हैं। इन सभी पुरुषोत्तम संघ से लगभग आज 50 भाई बहनों का सुरेंद्र भैया, इधर गौतम जी गुबलिया, युवा मंडल के अध्यक्ष दिलीप जी बोरा, सुनील जी विनायिका, नीलेश जी बम और सारी महिला मंडल जो यहाँ पर आए हुए हैं, जिनका भी इधर नाम ले रहा है। एक जहाँ पर चतुर्मास होता है वहाँ पर एक रिश्ता जुड़ जाता है, एक गठबंधन जुड़ जाता है वहाँ पर। और जैसे ही आप आए तो हमारा चेहरा और आपका
अध्यक्ष श्री गुरु गणेश सेवा संगठन बैंगलोर का जो है उनके अध्यक्ष है आप अशोक जी साहब बढ़ेगा आपसे आग्रह है कृपया आगे बढ़ा रहे और आपका सम्मान सत्कार करें। महेंद्र जी साहब चोपड़ा अगर कहीं पीछे तो आगे बता रहे आप अध्यक्ष श्री साधु मार्ग की शांत क्रांति जैन सावर संघ बैंगलोर कर्नाटक के उनसे आग्रह आगे बता रहे हैं। श्री महावीर जी साहब जूता है चेयरमैन शांति नगर संघ के आप बता रहे हैं जो 2022 का चतुर्मास साध्वी जी का वहाँ पर हुआ था आपका सम्मान करेंगे। मैंने मेरे से उपस्थित है उनका भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। देखिए हनुमत नगर सी संघ
25 तारीख को महोदर केसी श्री विश्वमती जी महाराज साहब एवं शेर राजस्थान श्री रूपमणि जी महाराज साहब की जन्म जयंती मना रहा है। सवेरे 9 बजे से गोडवार भवन के प्रांगण में ये जन्म जयंती मनाई जाएगी। तो हनुमत नगर सीजन के मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित है, वो सबसे निवेदन कर रहे हैं कि भी 25 तारीख को गोडवार भवन आप सब पर। और अभी मैं निवेदन करूंगा, हाँ जिन शासन प्रभावी का स्वागत करती है अभिनय जी साहब पधार चुके हैं, पावेचा जी जो अध्यक्ष थे पिछले साल निर्दमान अध्यक्ष रूप में उनसे निवेदन है आगे आए। मैं निवेदन करूंगा संघ के निर्मल जी साहब चोरड़िया जो भोजन व्यवस्था समिति के चेयरमैन है कृपया आगे आए और विनय जी साहब पावेचा का सम्मान करें। चेन्नई से अरिहंत देव ग्रुप से हमारे सुरेंद्र भैया, विजय भैया सभी आए हुए, खड़े रह जाइए सर। अरिहंत देव ग्रुप जो चेन्नई में है, देखिए इधर खड़े हैं हमारे भाई, यह सभी अश्विन भैया और हमारे हनुमान जी भी है उनके साथ में ही, तो वे भी खड़े रह जाइए हमारे इस 2023 के चतुर्मास में जिन्होंने बहुत धर्म दलाली की, धर्म अनुमोदना की, इनकी भी हार्दिक हार्दिक अनुमोदना हम करते हैं। हाँ चेन्नई से श्री गुरु गणेश मिश्री सेवा समिति से शांतिलाल साह सिंघवी यह भी आए हुए हैं, तो आगे आने का ध्यान रखें। हमें बड़ा ही गर्व है विनय साहब कि हमने आपकी अध्यक्षता में चेन्नई जैसी बड़े शहर में चतुर्मास किया, हमारे लिए सचमुच अविस्मरणीय है। ऐसे अध्यक्ष पाकर हमने बहुत प्रसन्नता के साथ 5 महीने बिताए। हर्ष हर्ष आपको, आपको सभी को, अब जितने भी जन खड़े हैं पीछे ऑफिस के पास, रूम के पास, सब आगे आ जाइए, बहुत जगह है हमारे वीर भाई, सारे भाई युवक मंडल आइए, आधे घंटे के लिए आप भी आइए, उसके बाद फिर से उठ जाना, व्यवस्था चलती रहेगी। आ जाइए सभी आगे आ जाइए, आप बीच में जो लड़ित खाली, हाँ आ जाइए आ जाइए, उधर बाहर मत जाइए, अंदर आइए, अंदर आइए साहब। सभी भाइयों को बहनों को अभी थोड़ी स्थिरता बनाए रखना है, इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य कोई भीड़ इकट्ठा करना नहीं, हमारे दुर्गा के त्याग की सुहास आप तक पहुँचाना है। तो आप अभी व्यवस्था सब हो जाएगी, आने वाले आ जाएंगे, बैठने वाले बैठ जाएंगे, आप सभी नीचे बैठकर एक आधे घंटे के लिए पूज्य श्री का जीवन, पूज्य श्री से सुनिए, तो आपके भी जीवन में परिवर्तन आ सकता है। देखिए नवरंगी की समस्या वाले सभी कितने देर से शांति से बैठे हुए हैं, तो आप सभी की स्थिरता बनाए रखे, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ जोड़ना है, आंखें बंद करना है, मन को एकाग्र बनाते हुए हम गुल्ली मैया के जीवन को श्रवण करेंगे। मन को प्रसन्न बनाइए, एकाग्र बनाइए, प्रवचन प्रभावी का पूज्य गुरुवर्या सुशीला जी महाराज साहब एवं ईस्ट शासन के
सभी धर्म से ही भाइयों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, चातुर्मास के इस मंगलमय पर्व में आज श्रावण शुक्ला पंचमी का दिन, जिन्होंने पंचमी के दिन जन्म लिया, पांच महाव्रतों को स्वीकार किया, जिन्होंने पांच इंद्रियों का निग्रह किया, ऐसे मेरी आराध्य गुरु मैया ज्ञान गंगोत्री महाराष्ट्र प्रवर्तनी पूज्य गुरुवर्या की आज जन्म जयंती है। कहते हैं कि अनेक क्षण जब इकट्ठा किए जाए तो दिन का निर्माण होता है। अनेक जल के बिंदुओं को इकट्ठा किया जाए तो सागर का निर्माण होता है। अनेक रजतन का निर्माण किया जाए तो कुंभ का निर्माण होता है। और ऐसे ही अनेक सद्गुणों का जहाँ पर संग्रह होता है, अनेक सद्गुण जहाँ पर सुशोभित होते हैं, ऐसा जीवन मेरे गुरुनी मैया का जीवन बनता है। ऐसा जीवन मेरे गुरुनी मैया का जीवन बनता है। मैंने सोचा कि मैं अकेले ही आपकी चाहने वाली हूँ। पर यहाँ तो आपके चाहने वालों का काफिला निकला। जब मैंने शिकायत खुदा से की, तो वो खुदा भी आपको चाहने वाला निकला। आज का दिन है पूज्य गुरुवर्या के जीवन का सिंहावलोकन करने का। पूज्य गुरुनी मैया के पूर्व जीवन को अल्प शब्दों में आपके सामने रखूंगी कि मेरे गुरुनी मैया के जीवन की संघर्ष यात्रा कैसे आगे बढ़ी। कहते हैं नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जीवन के जबरदस्त होते हैं, और ऐसे जबरदस्त इम्तिहान देकर सफल सफल और सफल बने हमारे गुरुनी मैया। लोहार की वो पावन नगरी महाराष्ट्र में जालना के पास में श्री चंद्र जी और धर्म पत्नी राजमती बाई वेदमुन का परिवार, जो आनंद मंगल के साथ में अपने परिवार के साथ में रहते हैं। एक बार राजमती बाई ने स्वप्न में देखा कि लक्ष्मी मुंह से प्रवेश कर रही है। चौदह स्वप्न में से एक शुभ स्वप्न देखा, पति को स्वप्न का अर्थ पूछा, तब सेठ श्री चंद्र जी ने कहा कि निश्चित कोई दिव्य आत्मा का आगमन आपके गर्भ में हुआ है। और समय जब पूर्ण हुआ तो प्रसूति के लिए आप अपने महके और शेली जो गांव है डोगर शेली जाना के पास वहां पर गए। समय के अनुसार वही आज का दिन था श्रावण शुक्ला पाचम का, और उस दिन राजमती बाई की प्रसूति हुई और एक कन्या ने जन्म दिया। पूरे घर में पूरे गांव में खुशियों का नजारा अद्भुत था। वो जमाना था कि जिस जमाने में किसी एक घर की खुशी पूरे गांव की खुशी बन जाती और किसी एक घर का दुख पूरे गांव का दुख बन जाता। आज जमाना कुछ और है। आज किसी एक की खुशी सबके दुख का कारण बन जाती है। खुशी के नजारे बजे कि ऐसे दिव्य आत्मा ने जन्म लिया, पूरा ननिहाल परिवार खुश था, आनंदित है। लेकिन कहते हैं संघर्ष आपके जीवन की यह शुरुआत, संघर्ष से हुई आपकी आप जन्मे और 18 दिन के थे। कितने दिन के थे साहब? 18 दिन के थे। और उस समय इधर आपके पिताजी श्री चंद्र जी बेपुत्था की अचानक में मृत्यु हो गई। 2 दिन पहले से माता को अशुभ अंग स्फुरण हो रहे थे, सोच रही थी कि क्या होगा, लेकिन सब ने कहा कुछ नहीं होगा। पर जब लोनार से सेवक आया और वो फोन वाला जमाना नहीं था, सेवक आया और मामा जी अमोलक चंद जी से कहता है कि भाई आपको जल्दी से जल्दी राजमती बाई को लेकर लोनार पहुंचना है, एक अघटित घटना हो चुकी है, लेकिन अभी अभी डिलीवरी हुई है, तो राजमती बाई से कुछ भी बोलना मत। और उस समय शेली के पास एक पूर्णा नदी बहती है, सावन का महीना था,
पूछती है कि अचानक लोना क्यों जाना है, क्या हुआ है, पर उन्हें कुछ नहीं बताया। और हमारे गुरनी मैया को जैसे कृष्ण को छावनी में रखकर समुद्र पार किया था, यमुना नदी को पार किया था, ऐसे ही गुरनी जी माता को छावनी में रखा गया और सेवक ने अपने सर पर लिया। माता राजमती बैलगाड़ी में बैठे तैसे तैसे लोना तक पहुंचे, जो गाँव ऐतिहासिक दृष्टि से संपन्न है। आज उस गाँव में बड़ी उदासी नजर आ रही थी और मन के अंदर कई गलत विचार आ रहे थे राजपति भाई के। और जैसे ही अपने घर तक पहुंची और घर में पहुंची, जो सोचा नहीं था वो दृश्य उनके आंखों के सामने था, उनके पति का देहावसान हो चुका था। अथवा दिन की बेटी ने अपने पिता को देखा नहीं, ना पिता ने अपने बेटी को देखा। आज का जमाना है कि डिलीवरी होती है तब वहीं पर क्या होते हैं, खड़े होते हैं, और डिलीवरी होते ही फर्स्ट सेकंड फर्स्ट मिनट में फोटो भी निकल जाता है, पूरे परिवार में वायरल भी हो जाता है। ये जमाना ये है, वो जमाना वो था। और जैसे ही माता ने ये दृश्य देखा, जिसकी कल्पना कभी जिंदगी में नहीं की थी, एक अकल्पित अवरोध परिवार के बहते खुशियों में आ चुका था। माता राजमती के एक आंख में आंसू तो एक आंख में ज्योतिर्मय आशा थी। अब माता ने अपने भीतर में रहा हुआ नारीत्व पति के अग्नि ज्वाला के साथ में विदा कर दिया। भीतर में रही हुई नारी का स्वरूप पति के अग्नि ज्वाला के साथ में विदा कर दिया और अब मातृत्व को जागृत कर दिया। जीवन में मन के महावृक्ष से आसक्ति के पन्ने झड़ गए। एक तरफ पति की मृत्यु, एक तरफ सुंदर सलोनी प्यारी बुढ़िया, माता राजमती की अनुपेक्षा संयोग और वियोग पर जाकर स्थिर हो गई। और इस जैनागम में बहुत सुंदर शब्द आता है, भवित आत्मा। क्या शब्द आता है? भवित आत्मा। भवित आत्मा उसको कहते हैं जो अपने भावनाओं में, जो अपने भावनाओं को कार्य करने में एक सफल रूप देते हैं, उसे भवित आत्मा कहते हैं। माँ ने चिंतन किया, इस संसार में संयोग और वियोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, विचारों पर वैराग्यता हो गया, पर जीवन में अंतकरण के अंदर एक ममता की नाव चल रही थी और वहां पर एक नन्ही सी गुड़िया नजर आ रही थी। और अब माँ ने सोचा, एक तरफ बेटी का उज्जवल ज्योतिमय भविष्य है और एक तरफ ये संयोग वियोग का प्रश्न है। ज्ञान से अपने आत्मा को समझाया और ज्ञान से समझाते हुए अपने अश्रु धाराओं के साथ में पति को विदा किया। सपनों से सुंदरी बना एक छोटा।
उज्जवल भविष्य मुझे बताना है। अब ये संसार की भोगों की यात्रा यहाँ पर पूर्ण, अब मेरा एक ही लक्ष्य है मेरी बेटी। थोड़ी बड़ी में आस पड़ोसी ने कहा, नामकरण कीजिए। आए चार पांच आस पड़ोसी, नामकरण हुआ और माँ ने कहा, मेरे बेटी का जन्म पंचमी को हुआ, मैं इसका नाम पाची रखूंगी। क्या नाम रखा था? पाची नाम रखा। सूर्य की पहली किरणें उसे पाची कहते हैं। पाची नाम रखा और अब सलोना प्यारा नटकर ऐसा बचपन। ज्ञानियों की पहचान कहते हैं कि पुनवा जो पूत के पग पालने में और बहू के पग पालने में समझ में आते हैं कि बहू कैसी है और पुत्र कैसा है। माँ हर पल सजग है, हर पल सजग है कि मुझे मेरे बेटी के जीवन को बनाना है, इसके साथ में ही संयम जीवन को स्वीकार करना है। अपने बेटी को अनेक प्रकार की धर्म की कहानियां सुनाती है। आप जैसी लोरी सुनाती हो ना, वैसी लोरी माता राजवती नहीं सुनाती थी। आप सुनाते हो, सो जा बच्चा सो जा, लाल कलर पे सो जा तेरी। हाँ, आप जो सुनाते हो लाल खिलौना लाएंगे ये वो वाला, लेकिन यहाँ पर माँ की लोरी कुछ अलग थी, क्योंकि माँ को अपने पुत्री को साधारण नहीं बनाना था, एक असाधारण बनाना था। और ऐसे असाधारण बेटी के लिए माँ लोरी गाती है, सो जा जैसे ही सुना, आस पड़ोस वालों ने जाके बड़े पिताजी के पास में
आज तो गुरुदेव ने कहा आगे चलकर पांचवी दीक्षा लेने वाली है। बड़े पिताजी भयभीत हो गए कि मेरी बेटी मेरा भाई तो संग छोड़कर चला गया, क्या मेरी बेटी भी संयम पथ पर चले जाएगी। उस दिन से बेटी को बार बार समझाते हैं कि बेटा जाता साधु संतों के पास जाना। किसी दूसरे की पड़ोसी की बेटी जाती है वो भी हमको अच्छा लगता नहीं है। तुरंत उनके माता पिता के कान भरने के लिए याद रखो जीवन में, अगर आपके बच्चे दीक्षा लेते हैं बहुत अच्छी बात, लेकिन नहीं लेते हैं तो किसी को भड़काने का काम मत कीजिए, संयम की अनुमोदना कीजिए। पिताजी ने बार बार पाची को रोका और रोकते 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 पाची की उम्र 14 साल की हो गई थी, पर जिसको वैराग्य आता है वो किसी के रोकने से रुकता है। पिताजी को पता नहीं था कि इस पाची का जन्म संयम साधना के लिए हुआ है, इस पाची का जन्म ज्ञान आराधना के लिए हुआ है, इस पाची का जन्म जिज्ञासा की प्रभावना के लिए हुआ है। ये पता नहीं था पिताजी को कि पाची ने ऐसा वैसा करने के लिए जन्म नहीं लिया था। सर पाची ने ऐसा वैसा करने के लिए जन्म नहीं लिया था कि संसार करके 4-5-10 बेटों को जन्म दे दे, इसके लिए जन्म नहीं लिया था। पाची ने तो जन्म लिया था संयम लेकर 500 शिष्य और शिक्षाओं की गुरुनी बनने के लिए। पाची ने तो जन्म लिया था श्रवण संघ और शासन की धरोहर संभालने के लिए, लेकिन पिताजी को अभी पता नहीं था। बहुत रोका, लेकिन एक दिन पाची अपनी माँ से कहती है, माँ कुछ भी हो जाए उल्टा नाम है परम पूज्य गुरुनी मैया मान कवर जी मान साहब विराजमान है। बचपन में सानिध्य मिला, लोनार में हर साल चतुर्मास होते थे और सानिध्य मिलता गया, माँ की हित शिक्षाएं मिलती गई और माँ से कहा कि माँ कुछ भी हो जाए गुरुनी मैया के दर्शन के लिए चलो। घर में ठंडी के लड्डू बनाए गए थे, क्या था ठंडीला लाडू बनाया, और माँ से जीत करती है कि गुरुनी मैया के दर्शन को चलो। बुढ़ाना गए गुरुनी मैया विदर्भ सियानी पूज्य मान कौर जी मान साहब के चरणों में बैठे और पाची ने कहा गुरुनी मैया अब बहुत हो गया, ये संसार जंगल के समान लगता है, एक एक पल मेरे व्यर्थ जा रहे हैं, अब मुझे 3 कर्म 3 योग से संयमित कीजिए। गुरुनी मैया कहते हैं मुझे दीक्षा देने के लिए कुछ नहीं, तुम्हारे माता की आज्ञा बड़े पिता की परमिशन मिल जाए मैं तुम्हें अभी दीक्षा देती हूँ। पाची ने कहा जो हो जाए मेरी दीक्षा का मुहूर्त निकालिए। बुढ़ाना श्री संघ बैठा है, गुरुनी मैया ने मुहूर्त निकाला। पाची ने अपने पिता को आज्ञा पत्र के लिए एक पत्र भेजा, लोनार में वो लेटर पहुंचा और पिताजी ने लेटर पढ़ा क्रोधित हो गए। आसपास के रिलेशन रिश्ते नाते सभी आए, बुढ़ाना में पहुंच गए और गुरुनी मैया मान कौर जी मान साहब के सामने जाके खड़े हो गए। आप कौन हो मेरे आज्ञा के मेरे परमिशन के बिना दीक्षा वैराग्य। बात
पिताजी दीक्षा पर नहीं रुके, चले गए पूरे सब लोग परिवार के, चले गए दीक्षा पर रुके नहीं, लेकिन दीक्षा रुकी, पिताजी नहीं रुके पर दीक्षा नहीं रुकी। और हमारे पूज्य गुरु की कैया ने 14.5 साल की उम्र में विदर्भ सिया के पूज्य गुरु की मैया के मुखार बिंद से करेंगी घंटे के पास से जावे जीव का संयम ले लिया। जब संयम लिया तो वे पर्वत बन गए, जब संयम लिया तो वे पर्वत बन गए। आंधी आएगी पर्वत को छुएगी लेकिन हिला नहीं पाएगा, आंधी आएगी पर्वत को छुएगी लेकिन हिला पाएगी नहीं। ऐसी मेरी गुरु मैया पर्वत की जैसी थी, हजारों आंधियां, कई संघर्ष, कई तूफान आए लेकिन आकर छूकर गए, हिला नहीं पाए मेरी गुरु की मैया को। इतनी अधिक थी मेरी गुरु की मैया, संयम लिया और अब उनका प्रवेश हुआ है सर्व विधि चारित्र के अंदर। अब सोपे गए कुछ गुरु की मैया भगवान कुंवर जी महाराज के पास में और माताजी राजमती बाई दीक्षा देकर अपने गांव में पहुंची। लोनार में घरे कई बनाया था सा, हाँ लड्डू नहीं भूला था, लड्डू को भूलेंगे तो काम कैसे चलेगा, लड्डू को नहीं भूलते हैं। तो उस समय जो लड्डू ठंडी के बने हुए थे, बेटी ने तो दीक्षा ले ली, उनके सारे सहेलियों को बुलाया और प्रभाव मां के रूप में माता ने एक एक लड्डू दे दिया। 6 महीने के बाद माता राजमती की भी दीक्षा हुई और आपका नाम धैर्यशाली परम पूज्य धीरज कंवर जी महाराज साहब रखा गया और हमारे गुरु जी महाराज साहब का नाम परम पूज्य प्रभा कंवर जी महाराज साहब रखा गया। माता भी भक्ति और दृढ़ थी कि मुझे मेरे बेटी को संसार से उतारना ही है, माता बनना है तो बहनों राजमती जैसी बनना, माता बनना है तो राजमती जैसी बनना कि मेरे बेटी को मुझे दीक्षा देना है। आज राजमती अगर अपनी बेटी को दीक्षा नहीं देती तो ये सभा, यहाँ कितने भक्त हैं, क्यों आते। अब पर कुछ प्रवर्तनी जी के चरणों में दीक्षित हुए, शैशव काल उनका संयम की बाल्य अवस्था और गुरमी मैया ने अनुशासन के छेनी से प्रहार करना शुरू किया। आप रोज सुन रहे हो कि गुरु कैसे थे, पहले के जमाने के गुरु कैसे, कितने सख्त और जबरदस्त थे, आप सुन रहे हो रोज। माँ कहती है बेटा रो मत, माँ कहती है बेटा रो मत और गुरु कहते हैं शिष्य सो मत, तुझे सोना नहीं है। अब गुरमी मैया जीवन में संयम के संस्कार दे रहे हैं। एक बार गुरमी मैया ने सोचा कि कुछ दिखान करना है संयम बंदी जी का, तो छोटी शिक्षा प्रभा कंवर जी को क्यों ना दिया जाए ताकि इसके अक्षर कैसे है इसका पता चले। और कुछ गुरमी मैया मान कंवर जी महाराज साहब ने कहा प्रभा ये इतनी संयम जो बंदी सी है, अशील बच्ची सी जो है, इसको क्या करो तुम लिखो। वो समय था कि पेन नहीं रहते थे, बोरू से शाही तैयार की जाती थी और लिखा जाता था और गुरमी मैया अपने उम्र के अनुभव उस बोरू को देखने लगे कि इसका कलर कितना अच्छा है, इसमें डिजाइन कितनी अच्छी है। जब गुरमी मैया मुझे मान तो जी मां साहब ने देखा तो दूसरे सतियों जी को कहा कि जाओ पात्री बनाने के लिए जो काला रंग लाया है वो लेकर आओ और इस बोरू को क्या कर दो लगा दो। गुरमी मैया कहते नहीं बाप जी, अगर इसको लगाओगे तो ये तो गंदा हो जाएगा, अच्छा नहीं दिखेगा। तब गुरमी मैया का जवाब था ये गंदा हो जाए, अच्छा ना दिखे, तुझे इसके प्रति आसक्ति ना हो, इसीलिए क्या करना है ये रंग पुत्रों के प्रति आसक्ति नहीं होना, इसलिए ये रंग इसे लगाना है। एक एक संस्कार देखे कैसे दे रहे हैं। पढ़ाई करने के लिए जब बैठे थे, एक दिन पढ़ाई करने के लिए बैठ गए, दीवार का सहारा लेके बैठे, दीवार का सहारा लेकर बैठ गए, दूर से गुरमी जी मां साहब को जो मान कंवर जी मां साहब ने देखा और पास आके कहा प्रभा कंवर जी अगर दीवार का सहारा लेकर बैठोगे तो कढ़ाई तो नहीं होगी, नींद जरूर आएगी, दीवार का लोगे सहारा तो कढ़ाई से होगा किनारा। और उस दिन से गुरमी जी मां साहब ने संकल्प किया कि आज के बाद मैं कभी भी दीवार का सहारा लेकर नहीं बैठूंगी। उन्होंने 87 ईयर्स तक अपनी लाइफ जी और उतने पूरे उम्र में कभी भी वे दीवार का सहारा लेकर नहीं बैठे। बुढ़ाना की चतुर्मास था, लोहा पास में ही था, जन्मभूमि के लोग आते थे जाते थे, लोग आते
जीवन कैसे आगे बढ़ रहा है। एक एक बूंद पानी गिरा, पात्रा लाके रखा, आवाज दिया, प्रभा कवर जी थोड़ा इधर आइए, अभी आपने पानी लाया। ये पानी के बूंद बूंद गिरे, एक बूंद में असंख्य जीव है, और इस असंख्य जीवों की इस असंख्य जीवों को सचिव को अचित बनाकर ये पानी बनाया गया है। और हमारे द्वारा ऐसा अविवेक कभी भी होना नहीं चाहिए। एक एक बोध को दे रहे थे और गुरु की मैया अपने जीवन में उस बोध को प्राप्त करके सम्यक बोधि को जगा रहे थे। संस्कृत प्राकृत सिखाने के लिए पंडित जी रखे गए और आपने लघु सिद्धांत कौमुदी, ये एक संस्कृत का बहुत बड़ा ग्रामर है, और लघु सिद्धांत कौमुदी इतना हार्ड सब्जेक्ट है, लेकिन हर तीसरी में पंडित जी के सामने लघु सिद्धांत कौमुदी जो संस्कृत का ग्रंथ है वह आप पढ़ते थे, और जब एकाध बार अगर नहीं आया तो पंडित जी भूख फेरते थे और धूप में खड़ा रखते। गुरमी जी मां साहब आपको बताते थे कि हमारे पंडित जी हमारी भूख फेरते थे, धूप में खड़ा रखते और हमें कहते कि रोटा भवन ने दीक्षा ली, कहीं रोटा भवन ने दीक्षा ली। जब पहली बार पर शब्द मैंने पंडित जी से सुने, उसके बाद में मैंने मन में धारण कर लिया, आज के बाद ऐसे शब्द मैं कभी नहीं सुनूंगी। ऐसे हमारे गुरमी जी मां साहब संस्कृत प्राकृत शब्द दर्शन अर्धवांगी हिंदी गुजराती इंग्लिश उर्दू फारसी ऐसे कई भाषाओं का ज्ञान जिन्होंने अपने जीवन में किया। अहमदनगर से पाथर्डी बोर्ड की जो परीक्षा निकलती है, आचार्य आनंद ऋषि जी मां साहब ने उस समय आपको पाथर्डी बोर्ड के परीक्षा के एग्जाम पेपर निकालने का कार्य सौंपा। एग्जाम पेपर निकालना और उसको चेक करना, जब खुद को आता है तभी वही एग्जाम पेपर निकाल सकता है। इस तरह से गुरुजी जी मां साहब ने ज्ञान के क्षेत्र में बहुत कुछ प्राप्त किया, 45 आगमों का तलस्पर्शी अध्ययन किया। ऐसा कोई शब्द नहीं कि जो आपको पता नहीं था, ऐसा कोई आगम नहीं कि जिसका अर्थ आपको पता नहीं था। दिमाग तो कंप्यूटर के जैसा था, इधर से प्रश्न पूछा गया और इधर से जवाब आया क्या। ऐसे गुरुजी मैया के जीवन की कई महिमाएं है, कई महिमाएं है जिसको हम उजागर करेंगे तो बहुत समय लगेगा। ज्ञान की एक समाचार था, एक चिट्ठी 14 साल के बाद में
हमारे गुरमी मैया पहुंचे, दीक्षा के बाद पहली बार दर्शन किए, बचपन में गुरुदेव की भविष्यवाणी साकार हो गई, दर्शन किए और गुरुदेव ने पहचान लिया कि तू प्रभा है ना लोना वाली, ये गुरुदेव की मेमोरी। तब गुरमी मैया ने हाथ जोड़ा, चलो संयम ले लिया, क्या क्या सीखा, क्या क्या ज्ञान अर्जन किया, संयम की साधना में क्या चल रहा है। गुरमी मैया ने कहा, गुरुदेव आपकी कृपा, आप करवाइए। तब गुरुदेव ने कहा कि प्रभा गौर जी, 563 बोल के मार्ग ना फेरना है। आपने तो अभी पहली बार ही सुना होगा 563 बोल की मार्ग ना क्या है, ये बहुत बड़ा ठोकरा है। और गुरुदेव के सामने बोल रहे हैं, लोग तत्तर तत्तर कांपते थे, गुरुदेव के सामने तत्तर पप्पो मम्मो होता था। और हमारे गुरुजी जी माता निर्भय निडर थे और उन्होंने कहा जी गुरुदेव, और धर्म प्रवाही 563 बोल की मार्ग ना गुरुजी मैया ने जो शुरू की, बोलते गए। गुरुदेव ने कहा बहुत अच्छा, बहुत ज्ञान की आराधना, ये थे हमारे गुरुजी मैया। जो पूछा विजय मुनि जी माता को दीक्षा दी, दीक्षा का मंत्र दिया। परम पूज्य विवेक मुनि जी माता को, जो 13 तप आराधक थे, ऐसे विवेक मुनि जी माता को दीक्षा दी। उसके बाद में आप सभी जिनको जानते हो, मानते हो, पहचानते हो, ऐसे कौन, हमारे आराध्य परम पूज्य शुद्ध मुनि जी माता को दीक्षा दी। इस शुद्ध मुनि जी माता के बाद पूज्य गौरव मुनि जी माता, पूज्य सौरभ मुनि जी माता, इन सभी संतों को दीक्षा का मंत्र देने वाले हमारे गुरुजी भैया। ये रिकॉर्ड है शासन का कि एक साध्वी संत को दीक्षा देती है, और संत को दीक्षा देना यहाँ तक ही नहीं, जब दीक्षा देते थे पाप से नीचे उतरते थे, जिनको दीक्षा दी उनको इतने बड़े दीक्षा परिणाम वाले साध्वी जी वंदना करते थे। ये गुरु मैया के जीवन की विनम्रता, ये लघुता, और ऐसे लघुता से ही उन्होंने प्रभुता को प्राप्त किया। नाना बाजी माता के संप्रदाय में परम पूज्य संपन्न मुनि जी माता है, अभी गया नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन पूज्य संपत मुनि जी महाराज को आपने दीक्षा की प्रेरणा दी। दीक्षा के बाद संपत मुनि जी महाराज को जब पता चला कि गुरमी मैया यवतमाल में विराजमान है, वे स्वयं आकर गुरमी मैया से मिले और पूज्य श्री के प्रेरणा से सागर मुनि जी महाराज की दीक्षा हुई। प्रणव मुनि जी महाराज, शालीभद्र मुनि जी महाराज और 13 पंथ के लोहान में जो 13 पंथ संघ है उसमें माँ और बेटे पुलकित मुनि जी महाराज, कुछ गुरमी मैया ने पुलकित मुनि जी महाराज को संयम की प्रेरणा दी और माँ और बेटे ऐसे 13 पंथ संघ में दीक्षित हुए। ये तो संत है, और संतों के साथ में कई सदियों को हम सबको संयम की प्रेरणा देने वाले, सार संभाल करने वाले, हमारा कुशल क्षेम करने वाले कुछ गुरमी मैया प्रभा कौर जी महाराज और कुछ गुरमी मैया प्रकाश कौर जी महाराज, इन्होंने ये संत और सतिया की परंपरा को आगे बढ़ाया। 2006 में कुछ गुरमी मैया को अहमदनगर में आनंद धाम पर महाराष्ट्र प्रवर्तनी की पदवी से अलंकृत किया गया। 2006 में अहमदनगर में आनंद धाम के प्रांगण पर महाराष्ट्र प्रवर्तक कुछ कुंदन ऋषि जी महाराज, आदर्श ऋषि जी महाराज आदि के पावन सानिध्य के अंदर आपको महाराष्ट्र प्रवर्तनी की चादर मिली। क्या वे गुरमी मैया थे, देखिए ऐसा अनोखा संयोग बना कि हमारे पूज्य प्रकाश कौर जी महाराज कोटा संत प्रवर्तनी थे, और अभी अभी हमारे पूज्य प्रतिभा जी महाराज जो महाराष्ट्र प्रवर्तनी बने, और वह भी अहमद नगर में हमारे पूज्य शुरपुरी जी महाराज जो कोटा संघ के प्रमुख। गुरमी ऐसी थी, गुरु में ही होते हैं कि जो शिष्य को गुरु पद तक पहुँचाए, और हमारे गुरमी जी महाराज ने ऐसा गुरुत्व निभाया। गुरु कोई व्यक्ति का नाम नहीं होता है, वो ऐसी शक्ति का नाम होता है कि जो शिष्य के जीवन का कायाकल्प कर दे। ऐसे कई शिष्याओं की सार संभाल ली ऐसे पूज्य गुरमी मैया, जिनका निर्भीड व्यक्तिमत्व था, निर्भय थे वे। और जब आपको बता रही थी कि 2006 में कोटदी में चातुर्मास हुआ, और उस समय चातुर्मास में महाराष्ट्र प्रवर्तनी की चादर मिलने के बाद चातुर्मास में जब आपकी एज थी 79 ईयर्स, उन 80 साल की उम्र थी, और उस उम्र में रात में जब आपको बाहर की भूमिका के लिए जाना होता, हम उनके पास में सोते और वे हमें उठाते नहीं, खुद वे जाकर अपने स्वयं का पलटाने का कार्य करते 79 ईयर्स के उम्र में। जब उस चातुर्मास में मैंने 9 उपवास किए, मुझे रात में नींद नहीं आती, और जैसे आप बोलती तो मैं देखती कि गुरमी मैया रात की 2 बजे है और ये तो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। सुबह पुष्टि की गुरमी मैया
72 मिनट को बोलने का मौका दीजिए सर। गुरु मैया के जीवन को उजागर करने के लिए एक ही तो दिन आता है, ये जन्म जयंती का पुण्य तिथि का, और जब सुनोगे तभी पता चलेगा कि शासन में कैसे कैसे कोहिनूर हीरे होके गए हैं हमारी गुरु मैया। एक बार आर्मी के सुशावक भवनराज जी कोठारी अपने पत्नी को लेकर मुंबई जा रहे थे, सब तैयारी थी, उन्हें कैंसर था और ऑपरेशन के लिए जा रहे थे। जाते जाते सोचा गुरुजी जी माँ साहब के दर्शन कर लूं, गए दर्शन किए। गुरुजी जी माँ साहब ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बापजी मुंबई जा रहा हूँ। गुरुजी जी माँ साहब ने कहा सूटकेस बैग नीचे रख दीजिए, जाना नहीं मुंबई। क्या कहा? मुंबई जाना, पत्नी को कैंसर, ऑपरेशन के लिए जाना, और गुरुजी जी क्या कहते हैं जाना नहीं। भवनराज जी कोठारी ने आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचा, गुरुजी जी ने कहा नहीं जाना, नहीं जाऊंगा, वो संभाले लेना, मुझे क्या टेंशन है, संभालने वाले बैठे हैं। गुरुजी जी मां साहब ने उन्हें एक दवा बताई, घरगुती दवा थी, दवा का उपयोग किया, कैंसर कहां चला गया किसी को भी आज तक पता नहीं, आज भी वे जिंदा है। आएंगे चतुर्मास में दर्शन के लिए, तब देखना ये गुरुजी मैया की साधना, ये उनकी आराधना, ये उनकी दिव्य दृष्टि थी कि देखते जिनको देखते उनके रोग मिट जाते। गुरुजी मैया ने पूरे जीवन का सार, जब मैंने कहा बच्ची कोई गीत शिक्षा दीजिए, और उस समय गुरुजी मैया फरमाते हैं कि हमेशा याद रखना खाने में स्वाद नहीं, स्वाध्याय में प्रमाद नहीं, और जीवन में विवाद नहीं। जीवन में कभी भी विवाद करना मत, खाने में स्वाद मत करना, और स्वाध्याय में प्रमाद मत करना। 11 पर जब खाना आ जाता तो गुरुजी मैया सोचते कि आधा घंटा अभी स्वाध्याय कर सकते हैं, दशमीकालिक शुरू कर देते, और आधे घंटे में पूरे दशमीकालिक सूत्र की स्वाध्याय करते। जिन्होंने समय को साधा वर्तमान में जो वर्तमान बने, ऐसे गुरुजी मैया फरमाते थे कि हमेशा हमें अपने शब्दों की कदर करना चाहिए। जब हम हमारे शब्दों की कीमत करते हैं तो दुनिया हमारे शब्दों की कीमत करेगी। गुरुजी जी मां साहब फरमाते थे मेरे जीवन में मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि जिसका बोझा मेरे सर पर मुझे महसूस हो। जीवन में हमेशा ऐसे रहना कि हमें हमारे गुरु से नजर मिलाने में नजर चुराना ना पड़े, हमें शर्माना ना पड़े। ऐसी कई हित शिक्षा हमारे गुरुजी मैया ने दी, जिनका जीवन आसमान से भी ऊंचा है, जिनके जीवन की गहराई तक हम क्या पहुंच पाएंगे। हम सूरज के सामने एक छोटी सी लौ है, 72 साल
हमारे बीच सीमा साहब विक्रम जी साहब सकलेचा है अध्यक्ष महासंघ से महासंघ जो भी हमारे साथ ही संघ के साथ ही वो भी गठित हुआ था लास्ट ईयर। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं रमेश जी साहब रुकड़ जो हमारे कार्यकारी सदस्य उनसे निवेदन करूँगा कि आपका सम्मान करें माला और कुशाला से। इसी तरह सुरेश जी साहब ललवानी कृपया आगे बता रहे, विक्रम जी साहब आगे बताते हो। डॉक्टर साहब है आप एक संतोष हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं, बहुत ही सरल स्वभावी है, इसलिए अध्यक्ष पद को सुगोभित कर रहे हैं। यहाँ पर महासंघ बना है स्वीकार स्थानक महासंघ, आप अध्यक्ष हैं, आपका सम्मान स्थानीय श्री संघ से श्रीमान साहब रमेश जी साहब रुकड़ कार्यकारी सदस्य कर रहे हैं। देखिए सकल संघ के जो अध्यक्ष है विक्रम चंद साहब डॉक्टर साहब विक्रम चंद साहब सकलेचा बहुत सरल है और जो समय समय पर सेवा देते हैं, ऐसे संघ के अध्यक्ष जी को हम हार्दिक अनुमोदना करते हैं, मंगल कामना करते हैं। श्री गुरु गणेश मिश्री सेवा समिति चेन्नई के अध्यक्ष श्रीमान साहब सुरेश जी साहब ललवानी कृपया आगे पधारे। युवा संघ के हमारे मंत्री दीपक जी से निवेदन है कृपया आगे आए, और भी कोई कार्यक्रम के सदस्य है तो आगे पधारे। संघ के आपका सम्मान दीपक जी साहब रुकड़ करेंगे। अध्यक्ष भी आ जाए, अध्यक्ष जी का स्वागत होने जा रहा है। सुरेश जी ललवानी हमारे गुरुदेव का गोत्र भी ललवानी है और उन्हीं गुरुदेव के ललवानी परिवार से ही आप हैं। बहुत नजदीक का गुरुदेव के साथ में जो कहते हैं भाई बहन का जो रिश्ता बहुत नजदीक से है और सुरेश जी ललवानी जो बहुत सेवा भावी दानवीर सुशावक है, इनकी हार्दिक अनुमोदना करते हैं। हर्ष हर्ष श्री नरेंद्र कुमार साहब भंडारी अगर हमारे बीच है तो कृपया आगे बता रहे। अध्यक्ष जैन रत्न देशी सावक संघ महेंद्र जी साहब चोपड़ा अध्यक्ष साधुवान की शांत क्रांति जैन सावक संघ कोई भी यहाँ पर ऊपर से बता रहे। अशोक जी गुगलिया समय चिता रहे, आप आगे बता रहे समय चिता रहे। हमारे रमेश जी साहब सिसोदिया बता चुके हैं कोषाध्यक्ष, अच्छा आगे बता रहे लेकिन रमेश जी सिसोदिया बता रहे हैं। हमारे सजा जी स्वागत की कड़ी में सब स्वागत हो चुका है, अभी पचकार करेंगे। पीछे जो भाई खड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्री मंजू देवी नाटा धर्म पत्नी स्वर्गीय श्री अभय कुमार जी नाटा उनको आज 21 के पचकार है। I don't want to die.
आनंद करें बढ़िया गुरुदेव की आज्ञा से
प्रीति जी पारक एवं पंकज जी पारक, पूजा जी इंगड़ एवं दीपक जी इंगड़ जोड़े से जोड़े से दो अठाई चार अठाई के बचना है। सभी सदस्यों को सीसन की ओर से 5100, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। 3100 रुपया सीसन में माने मोहनलाल जी मारू जी रखते हैं। Yeah.
1100 रुपया सीजन में, 1100 रुपया महिला मंडल, 1100 रुपया दो मंडल एवं 1100 रुपया जीते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 5100 रुपया जो मुताबिक अशोक कुमार जी, विनोद कुमार जी, छोड़िया विनोद जी के देने के उपलक्ष्य में उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अमूल्य समय निकालकर अपनी पुस्तक की मुलाकात की। सभी सत्र के अध्यक्ष शांति पदाधिकारी का जो भी यहाँ पर उपस्थित है सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो अपना अमूल्य समय निकाल कर वो अपने समय यहाँ पर बिताया।